Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for class 3, subject reasoning, chapter number 19, time. This is our lecture number 4. Conversion. बेटा आज हम lecture 4 में कौन सा topic करेंगे? कन्वर्जन और चैप्टर का नाम क्या है बेटा टाइम ओके टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू डेज वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मंथ्स बाय 30 कन्वर्ट क्या होता है बेटा चेंज जब हम मंथ्स को डेज में चेंज करते हैं मींस महीनों को दिनों में चेंज करते हैं तो हम मंथ के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से ओके बिकॉज वन मंथ इक्वल टू 30 डेज ओके वन मंथ में 30 डेज भी होते हैं और 31 डेज भी होते हैं बट हियर यू हैव टू फॉलो ओनली वन रूल आपको एक ही रूल फॉलो करना है तो आप क्या लिखोगे वन मंथ इक्वल टू 30 डेज क्लियर टू कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स वी मल्टीप्लाई दी नंबर ऑफ डेज बाय 24 क्लियर ऊपर वाले में आपने क्या सीखा बेटा कि वन मंथ में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं ओके हाउ मेनी डेज आर देयर इन वन मंथ 30 डेज व्हेन यू कन्वर्ट मंथ इनटू डेज वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मंथ्स बाय 30 बट हियर व्हेन वी कन्वर्ट डेज इनटू आवर जब हम दिनों को घंटों में बदलते हैं तो हम नंबर ऑफ डेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से बिकॉज वन डे इक्वल टू 24 आवर्स क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं क्लियर टू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स बाय 60 ओके बेटा जब हम आवर्स को मिनट में बदलते हैं तो हम आवर के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से व्हाई बिकॉज वन आवर इक्वल टू 60 मिनट्स क्लियर बेटा टू कन्वर्ट वीक्स इनटू डेज जब हम वीक्स को डेज में कन्वर्ट करते हैं वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ वीक्स बाय 7 तो हम नंबर ऑफ जो वीक्स होंगे जो वीक्स के नंबर दिए होंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से करेंगे क्लियर बेटा अंडरस्टूड सो दिस इज आवर टॉपिक तो ये हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जन फॉर दिस यू हैव टू फॉलो दीज गिवन रूल्स कि जब हम मंथ को डेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम मंथ के नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं व्हेन वी कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स और जब हम दिनों को घंटों में बदलते हैं तो हम दिनों के नंबर को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं ओके एंड व्हेन वी कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स और जब हम आवर्स को मिनट में बदलते हैं तो हम आर के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं बाय 60 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी व्हेन वी कन्वर्ट वीक इनटू डेज जब हम वीक को डेज में बदलते हैं तो हम वीक के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से क्लियर बेटा टाइम इज नॉट मेजर्ड ओनली बाय डेज आवर्स and minutes but also by weeks months and years time ko hum keval dinon ghanton aur minute mein hi measure nahi karte hum inko week mein month mein aur years mein bhi measure karte hain
Understood? Now, beta, with the help of example, I will teach you the given topic conversion. Okay? How many hours are there in a day? What does it mean? कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? Option A, 24 hours. Option B, 12 hours. Option C, 16 hours. Option D, 30 hours. Okay, you need to select the correct option out of these given four options. आपको ये बताना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? Okay, so one day equal to 24 hours. Everybody knows. एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे होते हैं. So which option is correct? Option A is correct. Option A is 24 hours. Answer, option A is correct. 24 hours. Clear, beta? Understood? Today's homework. आपका आज का homework है, beta. Question 1. How many minutes are there in an hour? आपको इसमें ये बताना है कि hour में कितने मिनट होते हैं? Okay? Option A, 50 minutes. Option B, 24 minutes. Option C, 60 minutes. Option D, 30 minutes. You need to select the correct option out of these given four options. आपको इन चार option में से correct option बताना है कौन सा है, जिसमें ये बताना है आपको कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं. Clear बेटा? Question number 2. How many days are there in 9 weeks? आपको ये बताना है कि 9 weeks में कितने दिन होते हैं? Okay. As everybody knows, ma'am told in the previous topic, ma'am ने आपको previous topic में भी बताया था बेटा कि 1 week में कितने दिन होते हैं? 7. 1 week equal to 7 days. So here in question number 2, you have to tell how many days are there in 9 weeks. अगर 1 week में 7 days होते हैं, तो 9 weeks में कितने दिन होंगे? Okay. Option A, 7 days. Option B, 9 days. Option C, 53 days. Option D, 63 days. Clear? You need to select the correct option out of these given four options. Now, beta, in homework, question number 3 is, homework mein aapka question number 3 hai. Question 3, how many minutes are there in 3 hours? आपको question 3 में बताना है कि 3 hours में कितने minutes होते हैं? If 1 hour equal to 60 minutes, then how many minutes are there in 3 hours? Option A, 360 minutes. Option B, 180 minutes. Option C, 30 minutes. Option D, 190 minutes. You need to select the correct option out of these given four options. Clear, beta? Question number 4. How many days are there in a month? आपको question 4 में क्या बताना है कि एक month में कितने दिन होते हैं? Option A, 29 days. Option B, 365 days. Option C क्या है? 366 days. Option D, 30 days. You need to select correct option out of these given four
ऑप्शंस, ओके। आपको इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। व्हाट हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। क्लियर बेटा? नाउ इन होमवर्क आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 5, ओके। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 2 days, ओके। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है कि 2 days में, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं। देयर आर 24 hours इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 days में कितने घंटे होंगे। ओके, ऑप्शन ए 58 hours, ऑप्शन बी 68 hours, ऑप्शन सी 48 hours, ऑप्शन डी 78 hours. You need to select the correct option out of these given 4 options. Okay, आपको 4 option में से correct option बताना है कि आपका correct option कौन सा है और what has asked in the given question. आपको question में क्या पूछा गया है question 5 में कि 2 days में, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं। Okay, clear बेटा? Everybody understood now? How to do homework? Okay, good. Thank you. Now we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. Chapter number 19, time, lecture number 3. Okay, beta, ab hum लेक्चर 3 का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था चैप्टर नंबर 19 टाइम, ओके, उसका हम होमवर्क सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे ना बेटा। इन होमवर्क सॉल्यूशंस वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। ओके, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। ऑप्शन ए 351 days, ऑप्शन बी 385 days, ऑप्शन सी 366 days, ऑप्शन डी 365 days. सो बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 days. सो आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, 366 days. हैव यू क्रॉस चेक्ड? गुड। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डेज आर देयर इन एन ऑर्डिनरी ईयर। ओके, क्वेश्चन 2 में आपको बताना था कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं। लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं। ऑप्शन ए 355 डेज, ऑप्शन बी 385 डेज, ऑप्शन सी 366 डेज, ऑप्शन डी 365 डेज. ओके, सो बेटा टेल हु हैज डन। करेक्ट आंसर इज 365 डेज. एक साल में, ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. हैव यू क्रॉस चेक्ड? एज यू हैव ऑलरेडी डन इन होमवर्क, यू जस्ट नीड टू क्रॉस चेक द आंसर. आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 365 डेज. क्लियर? Now, in homework solutions, we will discuss question number 3. Question number 3, how many days are there in the month of January? January महीने में कितने दिन होते हैं? Option A, 31 days. Option B, 30 days. ऑप्शन सी 29 डेज, ऑप्शन डी 28 डेज. सो बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन बताएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट,
31 days. जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं? 31 days. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट. 31 days. क्लियर? हैव यू क्रॉस चेक्ड? क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? क्वेश्चन 4 में आपको बताना है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं. ऑप्शन ए 5 days, ऑप्शन बी 6 days, ऑप्शन सी 7 days, ऑप्शन डी 8 days. सो 1 week इक्वल टू 7 days. 1 week में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 days. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 days. क्लियर? नाउ बेटा, इन होमवर्क सॉल्यूशंस वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल? क्वेश्चन 5 में आपको बताना है कि अप्रैल मंथ में कितने दिन होते हैं. ऑप्शन ए 31 days, ऑप्शन बी 30 days, ऑप्शन सी 29 days, ऑप्शन डी 28 days. ओके, सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या है? 30 days. अप्रैल मंथ में कितने दिन होते हैं बेटा? 30 days. सो आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 30 days. क्लियर? यू ऑल हैव क्रॉस चेक द आंसर्स. गुड, थैंक यू.